ये देखो भाई, N160 में ये वाली सीट लगेगी या फिर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर ये वाला लोक मैं आगे लगाऊंगा तो भाई इसमें सीट आ जाएगी। बट हाँ भाई, ये तो लग गई भाई पूरी अच्छी तरह से, एकदम परफेक्ट फिट आई। ये सीट देखेंगे भाई पल्सर N160 में 150 वाली आती है या फिर नहीं, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग यार काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे कि भाई यार एक बार ट्राई करके दिखाओ ट्राई। सो हेलो फ्रेंड, वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अवर ZPM ब्लॉग्स एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो भाई आज यार अपने साथ खड़ी है एक तरफ पल्सर N150 और दूसरी तरफ खड़ी है यार पल्सर N160, जो कि यार आप लोगों के काफ़ी टाइम से यार काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यार पल्सर N160 की स्प्लिट सीट ट्राई करो। तो ये भाई अपनी पल्सर N150 और ये भाई पल्सर N160, तो दोनों को भाई अपन ट्राई करने वाले हैं। सीट देखेंगे भाई पल्सर N160 में 150 वाली आती है या फिर नहीं, तो दोनों को भाई एक्सचेंज करके देखेंगे भाई पल्सर 150 में 60 वाली आती है या फिर नहीं आती। तो वही आप लोगों के काफ़ी टाइम से यार कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई यार चेक करो। बाकी इस तरह से तो भाई लुक वाइज तो यार बाकी दोनों बाइक सेम ही है, हमें तो भाई इसकी सीट ट्राई करनी है किस तरह की इसकी सीट है। बाकी यार ये यार मैंने कई बार यार इसका स्विच ना, ये वाला पल्सर N160 वाला स्विच काफ़ी बार यार मैंने ट्राई किया, बट अपनी पल्सर N150 में नहीं लगेगा, क्योंकि यार इसके सॉकेट जो होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इसके सॉकेट जो पल्सर N150 के जो अंदर भाई इसके थोड़े से अंदर होते हैं हेडलाइट के अंदर, वो थोड़े अलग होते हैं। इसी वजह से यार ये वाला स्विच थोड़ा सा नहीं लग पाएगा, N160 वाला नहीं लग पाएगा। बाकी जो यार पल्सर की तो बहुत सारी बाइक होती है ना, तो हर ज़्यादातर बाइक्स में यार ये हेडलाइट ऑन ऑफ वाला होता है, तो मे भी दूसरा वाला आ सकता है। बट चलो फिलहाल अभी थोड़ी यार इसकी सीट ट्राई करते हैं अपन किस तरह की भाई इसकी सीट होने वाली है। तो इस तरह से तो भाई होती है इसकी स्प्लिट सीट, और अभी चलो निकालते हैं यार पहले अपनी पल्सर N150 की सीट निकालते हैं और देखेंगे भाई कितनी अच्छी तरह से यार ये फिट आती है, आती भी है या फिर नहीं आती, तो देखो क्या भाई इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये निकाल के रख दी भाई अपनी पल्सर N150 की सीट, चलो इसे रखते हैं यार अभी थोड़ा साइड में। बाकी अभी निकालते हैं भाई पल्सर N160 की सीट, स्प्लिट सीट। तो भाई लोग तो दोनों बाइक में एक ही जगह है, तो चलो पहले भाई खुल जा। अरे यार ये खुलेगी कैसे? हाँ तो चलो भाई ये तो खुल गई, और ये भाई खुल गई पल्सर N160 की स्प्लिट सीट। अरे यार ये थोड़ा इनका खुला हुआ लग रहा है, ये थोड़ा लूज है। अच्छा ये थोड़ा लूज है, बाकी ये यार कट वगैरह भी नहीं होंगे अगर थोड़ा वैसे ट्राई करें तो, क्योंकि चलो पहले ऐसे ही लगा के देखते हैं यार लगती है या फिर नहीं लगती। हाँ भाई ये तो लग गई भाई पूरी अच्छी तरह से, एकदम परफेक्ट फिट आई है, जिस तरह से भाई फिट आनी चाहिए ना एकदम परफेक्ट आई है स्प्लिट सीट इसमें। तो ये बाकी ये वाली रखी है, तो पहले तो यार इसे साइड में रखते हैं, इसे बाद में ट्राई करेंगे। तो ये देखो भाई N160 में ये वाली सीट लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो भाई N160 में तो इस तरह से यार ये कुछ लग रही है, आई थिंक यार फिट आ जाएगी। थोड़ा देखें इसके लॉक कहाँ पे, नहीं भाई थोड़ा सा चलो। बट अगर देखोगे तो भाई पल्सर N160 में अगर आप ये सीट लगाओगे तो कुछ इस तरह से यार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग भाई से इंस्टॉल कराते हो तो ये थोड़ा सा हुक का भाई इसमें डिफरेंस है, वरना अदरवाइज़ ये भी यार फिट आ जाएगी, तो वो थोड़ा इशू पड़ेगा यार वो सीट में आप लोगों को लॉक काटने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो फिलहाल तो अभी अपन देखते हैं इसमें, ये भाई इसकी कुछ इस तरह से, और ये अरे यार थोड़ा सा भाई इसमें चेंज लग रहा है। ये N160 की अगर सीट लगानी है तो भाई इस तरह से, तो देखो भाई ये है कि जगह यहाँ पे खाली रह रही है, तो आई थिंक नहीं भाई, तो इस तरह से भाई ये कुछ लगेगी अगर इसमें फिट आ जाएगी तो। पल्सर N160 की सीट अगर आप लोगों को ठीक तरह से दिख रही हो, ये इसका इस तरह से लुक निकल के आने वाला है पल्सर N150 का स्प्लिट सीट के साथ में। उधर भाई ऐसी रख दी है, तो ज़्यादा कुछ यार करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये देखो भाई, हाँ ये आगे वाले, ये भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये आगे वाले लोग जो है ना भाई वो तो एकदम परफेक्ट फिट आ रहे हैं। ये यार आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, ये लोग तो भाई सेम पल्सर N160 में भी यहाँ पर ही है और इसमें भी, तो ये तो भाई परफेक्ट सही आ रही है आगे वाला पोर्सन जो है। बाकी ये जो है ना ये रेयर वाला, तो इसमें यार ये वाला स्विच जो है ना ये जो दिख रहा है यार आप लोगों को ये लास्ट में है, और इसमें भी यार लास्ट में ही है, तो आई थिंक यार आना नहीं, मुझे लगा भाई ये इस तरह से कुछ नहीं। बट यार ये वाला जो है इसमें ये पता नहीं क्या है, ये आगे की तरफ है इधर की तरफ, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग यार काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे कि भाई यार एक बार ट्राई करके दिखाओ। तो ये भाई इस तरह से रखी हुई है यार आप लोगों के सामने, तो कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, वरना यार प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉक वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं यार इसे,
इस तरह का था यार, आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि भाई यार एक बार ट्राई करके दिखाओ, ट्राई करके दिखाओ। और ये है यार अपनी N150 की सीट। तो चलो भाई जैसे थी उसको वैसे ही लगाते हैं कुछ। यार ये इस तरह से ये एकदम फिट आ गई। तो ये वाला जो लोग है ना भाई ये, अरे यार थोड़ा अगर उसमें चेंज हो जाए ना तो मे भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये वाला लोग मैं आगे लगाऊंगा तो भाई इसमें सीट आ जाएगी, बट थोड़े बहुत यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये वाला जो लोग है ना भाई, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊँ तो भाई इसमें सीट आ सकती है। अगर आप स्प्लिट सीट लगाना चाहते हो ना तो थोड़ा सा भाई आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। वो क्या है ना भाई, ये वाला जो, ये जो आप देख रहे हो ना ये आगे की तरफ जाता है तो ये इधर की तरफ लगेगा। तो ये आई थिंक भाई ये निकल भी सकता है, निकल के भाई आप इसे थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके आगे की तरफ लगा सकते हो, थोड़ा सा मेजरमेंट करके अगर आप लोगों को लगाना है तो। बाकी चलो अभी इसे थोड़ा सा लगाता हूँ कि ये है राहुल भाई, ये भाई चलो भाई लग जा, इस तरह से लगेगी। तो भाई लग गई। तो यार जैसे यार मैंने बताया, और इसमें जो अगर आप देखोगे ना तो इसमें भाई इधर की तरफ दे रखा है ये वाला जो लॉक है, तो एक ही लॉक होता है इसमें भाई, ये इधर की तरफ है पीछे की तरफ, तो वो लॉक भाई इधर होना चाहिए था बैटरी के पास में, तब जा कर के यार वो लगती, वरना नहीं लगने वाली है। तो थोड़ा बहुत अगर आप भाई ये सारी चीज़ों को थोड़ा चेंज करोगे ना, इसका जैसे तैसे भी आप लोगों को करना, अगर इधर की तरफ आप लगा लोगे तो मे भी फिट आ सकती है। स्प्लिट सीट साइड वाली फेयरिंग में आप लोगों को चेंज करानी पड़ सकती है, ये वाली जो साइड फेयरिंग है। बट चलो लगाते हैं भाई इसे। ये सारे क्वेश्चन थे यार आप लोगों के, तो वो आई थिंक यार मैं भी दूर हो गए होंगे कि भाई ये सीट नहीं लगने वाली है। बाकी यार आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और थोड़ा भाई आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वंस अगेन लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो भाई फिलहाल के लिए यार अभी यार इतना ही, मिलते हैं यार आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।